आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको WhatsApp से रिलेटेड एक ऐसी कमाल की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो हाल ही में अपडेट होकर आई है 2021 में, अभी WhatsApp के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको करने के अपने WhatsApp को प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको अपडेट करना है, तभी यह सेटिंग आपको आपके WhatsApp के अंदर मिलेगी। तो वो सेटिंग का काम क्या है, कैसे आप उसे यूज करोगे, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यह वीडियो आपको 3 से 4 मिनट का बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा उस सेटिंग के बारे में जो अभी अपडेट होकर आई WhatsApp के अंदर। तो आपको करना क्या, अपने WhatsApp को ओपन करना है। ओपन करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि इसे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसे अपडेट कर लोगे तो आपको करना क्या, WhatsApp को ओपन करना है। आपको इस तरह की चैट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार वो अपडेट कौन सा है, वो सेटिंग कौन सी है। तो इसके लिए आपको करना क्या, यहां से देखने को मिलेगा आपको वही चैट, यानी कि आपकी सारी सारी चैट देखने को मिलेगी। आपको उस पर क्लिक करना है एक पे। जैसे आप एक पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा डिफॉल्ट बैकग्राउंड पेपर, यानी कि आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड इमेज। यहां पे आप अपना इमेज सेट कर सकते हो। यहां से देखने को मिलेगा आपको वॉलपेपर। यही दोस्तों आप के WhatsApp के अंदर एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट का मतलब क्या है कि आप अपने सारे के सारे चैट अकाउंट, यानी कि अपने सारे के सारे दोस्तों के चैट पे अलग अलग बैकग्राउंड सेव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस चैट, यानी कि इस अकाउंट के चैट पर मैं एक सेकंड, यानी कि एक अपना वॉलपेपर सेट कर देता हूँ और दूसरी चैट पर आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने इस वाले वॉलपेपर को सेट किया, यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ और आपको करना क्या है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा आपका यही वॉलपेपर सेव हो चुका है पूरी तरह से। अब दोस्तों आपको करना क्या, बैक करना और सेकंड चैट पे क्लिक करना। जैसे आप सेकंड चैट पे क्लिक करोगे तो यहां भी आप अपना एक नया वॉलपेपर लगा सकते हो, यानी कि अपना फोटो लगा सकते हो। अगर आप फोटो नहीं लगाना चाहते हो तो यहां से आपको बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो यहीं से आप अपना कोई भी एक नया बैकग्राउंड यहां पे भी लगा सकते हो। तो यही सेटिंग है जो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि आप किसी भी चैट के अंदर आप अलग अलग बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सारी की सारी चैट के अंदर आप एक ही बैकग्राउंड लगा सकते हो, तो वो कहां से दोस्तों को करना क्या, थ्री डॉट पे क्लिक करना, सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहां से देखने को मिलेगा चैट का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना और यहां से देखने को मिलेगा वॉलपेपर। आप वॉलपेपर पे क्लिक करोगे तो यहां से तो आप जो सारा वॉलपेपर लगाओगे, यानी कि कोई भी वॉलपेपर लगाओगे, वो सारी की सारी चैट, यानी कि जितनी सारी चैट है उनके अंदर एक ही वॉलपेपर सेट होता था। अब दोस्तों आप हर एक चैट के अंदर आप अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो, वो तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने WhatsApp को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद ही दोस्तों आप इस सेटिंग को देख पाओगे अपने WhatsApp के अंदर और इसे यूज कर पाओगे। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो को बहुत ही पसंद आया होगा और आपको भी पता चल गया होगा कि अपने सारे के सारे दोस्तों की चैट का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हो। अपना फोटो लगा सकते हो, किसी का भी फोटो वहां पे लगा सकते हो, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।